अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, मकबूज़ा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज है। पाक फौज आलमी बिरादरी से मसला कश्मीर हल करवाने का भी मुतालबा कर चुकी है, जबकि अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून भी इस हवाले से बयानात जारी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी वफाकी काबीना को एक हफ्ते बाद जाकर ख्याल आया है कि वो कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ मजम्मती बयानात जारी करें। क्या ऐसी ताखीर कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ़ नहीं है? आज वफाकी काबीना के इजलास में 19 जुलाई को यौम स्याह मनाने और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरक इजलास भी बुलाने का फैसला किया गया है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा अहम बात आलमी सतह पर कश्मीर में भारतीय मजालिब के मसले को उठाना है, और हम सब जानते हैं कि सिफारती महाज पर भारत हमसे कहीं आगे है। क्या हम आलमी सतह पर भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर सकते हैं? इस पर एक सवालिया निशान है। इमरान खान भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर मौलाना फजल रहमान की सरबराही में कायम कश्मीर कमेटी आखिर कर क्या रही है। मकबूजा वादी में संगीन सूरत हाल के बाद ना तो इस कमेटी का कोई हंगामे इजलास हुआ और ना ही आलमी सतह पर किसी से राबते किए गए। उल्टा मौलाना साहब ये फरमाते हैं कि कश्मीर कमेटी बेख्तियार है। अगर ये वाकई कमेटी बेख्तियार है तो वो 8 साल से इस मराठ याफ्ता कमेटी के सरबरा क्यों हैं? वो मुस्ताफी क्यों नहीं हो जाते? एक तजवीज़ ये भी दी जा रही है कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर भारत से ताल्लुकात मुनक़ते कर ले। क्या ये तजवीज़ काबिल अमल है? और आखिर मसले कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव कैसे डाला जा सकता है? क्या वो मुज़ाकरात पर कभी आमादा होगा? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कराची के हालात की, जहां पर रेंजर्स को हासिल खुसूसी इख्तियारात ख़त्म होने में 4 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन सिंध के मशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि रेंजर्स इख्तियारात में तौसी का फैसला अवाम के बेहतर मफाद में करेंगे। यहाँ पर सवाल यह है कि सिंध हुकूमत के सामने आखिर ये ऑप्शन है कि क्या वो रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में तौसीक ना करें, जिन्होंने कराची का अमन वापस लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब सिंध पुलिस का अपना हाल ये है कि वो करप्शन में डूबी हुई है और 120 करोड़ की करप्शन पर साबिक आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली समेत मुतअद्दिद अफसरान की गिरफ्तारी की अब सिफारिश भी की जा रही है। सिंध हुकूमत की परेशानी की वजह बज़ाहिर डीजी रेंजर्स का यह बयान है, जिनके मुताबिक रेंजर्स ने अब अंदरूनी सिंध में भी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत रेंजर्स ने जब वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल के भाई तारिक सियाल के मुबैना फ्रंट मैन असद खरल को लाड़काना से गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पुलिस की मदद से उन्हें फरार करवा दिया गया। फिर इस पर मुशीर कानून का यह मौकिफ सामने आता है कि रेंजर्स के पास अंदरूनी सिंध में पुलिस के तो इख्तियारात ही उन्हें हासिल नहीं है, जिसके जवाब पर डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर का यह कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत सिक्योरिटी इदारों को हर जगह पर कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल है। दूसरी जानिब तहफ्फुज़े पाकिस्तान बिल भी 2 साल के मियाद मुकम्मल होने पर खत्म हो चुका है और वज़ीर आज़म ने इस एक्ट में तौसी के लिए इस हकदार की ज़ेर सदारत एक कमेटी भी कायम कर दी है, जो मुख्तलिफ जमातों से इस हवाले से राबते भी करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि रेंजर्स इख्तियारात हों या तहफ्फुज़े पाकिस्तान बिल, आखिर दहशतगर्दी के खिलाफ बने इन अहम कवानीन के बारे में हुकूमत को तभी ख्याल क्यों आता जब वो ख़त्म होने वाले होते हैं या ख़त्म हो चुके होते हैं? इन पर आखिर बर वक्त फैसला क्यों नहीं हो जाता ताकि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग है ये मुतासर ना हो? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब होंगे और कराची से ज़फ़र हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़फ़र हिलाली साहब, आखिरकार काबीना का इजलास हो गया, कश्मीर पर बात करने के लिए इन्हें भी टाइम मिल गया, कश्मीर के हवाले से यौम स्याह मनाया जाएगा और पार्लियामेंट का मुश्तरक इजलास बुलाने का कहा गया है, एक अहम फैसले किए गए, लेकिन आप नहीं समझते कि असल जो मामला है कश्मीर का, यह आलमी सतह पर आलमी फोरम पर उठाने का यह मामला है। ज्वाइंट सेशन इस मामले में क्या कर सकता है? आलमी सतह पर हमें क्या नहीं चाहिए कि भारतीय जो बर्बरियत है, भारतीय मजालिम है, उनको बेनकाब किया जाए? ज्वाइंट सेशन क्या करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, ज्वाइंट सेशन तो एक क्या कहते हैं, एक किस्म का एक साइन है कि पाकिस्तान और उनका वाम का कंसर्न, मगर मैं समझता हूं कि हम लोगों को अभी सोचना चाहिए। मैं 2-4 चीज़ें सजेस्ट करूंगा आपको कि जो मेरे ख्याल में हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारी हुकूमत करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे पहली बात यह है कि देखिए जी, पहली बात तो ये है, ये एक मैस मूवमेंट है, ये अक्रॉस बॉर्डर कुछ चीज़ नहीं है, ये एक मैस मूवमेंट ऑफ एजुकेटेड यूथ
डिटर्मेंट एजुकेटेड यूथ, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी हुआ है। ये पहले ऐसा नहीं था, ये पाकिस्तान से इंस्पायर्ड होके नहीं आया है, ये खुद इंडिजिनस मेजर थिंग। अब हिंदुस्तान का रिएक्शन क्या है, वो कर रहे हैं जो इजरायलीज करते हैं अपने लोगों के साथ। इसराइल जो है ना, वो कैजुअलिटीज को कम करने के लिए वो लोगों को सफरिंग ज्यादा देता है, घर गिरा देते हैं, बम करते हैं, शेलिंग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 40 लोग अंधे हुए हैं, ये एक डिलिबरेट एक्ट है। ये मेटालिक शार्ड्स जो बंदूक, 40 लोग तो शहीद हुए नहीं, 40 हाँ 40 शहीद हुए, 40-50 अंधे भी हुए, 140-200 लोग जख्मी हुए हैं। ये तो अंधे जो हुए हैं ना, इन लोगों को ये डिलिबरेट है, ये इन लोगों पे सफरिंग करना चाहता है। मूडी आपको पता है मुसलमानों को मारने का माहिर है, जिधर मुसलमान है उनको मारता है, गुजरात में उसने बता दिया। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, ये बैन की मून साहब है, ये सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन से, ये कहते हैं जी मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूं। भाई तुम सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस पे, तुम मीडिएट, अगर हिंदू मानता तो तुम मीडिएट करते हो। तुम्हारा काम यह है कि तुम डिमांड करो कि यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन है, उस रेजोल्यूशन पे इंप्लीमेंट करो, और तुम डिमांड करो हिंदुस्तान से तो इंप्लीमेंट करे, और अगर नहीं इंप्लीमेंट करते, आपका हक है, यूनाइटेड नेशंस का काम है कि वो इंपोज अ सेटलमेंट कर सकते हैं। भाई कोशिश तो करो, जाओ उसे पूछो। अब आप जाएं अमेरिका को जाके पूछें कि यार ये बताएं, आपका कांग्रेस इतना डबल स्टैंडर्ड्स है, माने कि आप हर चीज पे बोलते हैं मगर तुम्हारा जो कांग्रेस है बिल्कुल चुप है, कंप्लीट साइलेंस ऑन ऑल द किलिंग्स, ये कमाल है। तुम्हारा एक ह्यूमन राइट्स एजेंसी है, उनके डबल स्टैंडर्ड्स देखें, हक्कानी ग्रुप 4-6 लोगों को मार दें तो उनका नोटिस लेते हैं, इधर तो 40 लोग मरे हैं, 200 आदमी जख्मी हुए, 50 अंधे हो गए, आपने तो उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं कहा। और क्या ये सही है कि क्या हिंदुस्तान की फौज इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन जो भी करे, और आपसे आप तो अंदर उनके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं। कुछ दिन पहले मैं भी पढ़ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भारतीय फौज है ये अपनी एक्सेस से ज्यादा तजावुज ना करे, लोगों पर इस तरह जुल्म ना करे। भारत के अंदर अपने अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। शाहिद लतीफ साहब मकबूजा कश्मीर में जी, हिलाली साहब मैं शाहिद लतीफ साहब से बात कर लूं। शाहिद लतीफ साहब, शाजिया एक मिनट, आई फिनिश, लेट मी फिनिश, एक मिनट। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, ये सी जो है ये क्या किया है, उन्होंने कहा कि भाई किलिंग्स को खत्म करें, आई बेग योर पार्डन, किलिंग को खत्म करें, वो काफी है। आप क्यों नहीं कहते हैं उनको कि हम कंडेम करते हैं तुम्हें, तुम एम्बुलेंसेस को अटैक करते हो, अस्पतालों को अटैक करते हो, तुम ये बंदूक और तुम्हारी स्टेटस जो है इस वक्त OIC में, अगर ये ऐसा ही चला हम विड्रॉ कर रहे हैं, या आप कहें उनको कि हम अब विड्रॉ, बिल्कुल कहें ना जी, कुछ तो करें। ठीक है शाहिद लतीफ साहब, मकबूजा कश्मीर में बहुत से जो हुर्रियत लीडर्स हैं, सियासी जमातों के कुछ रहनुमा ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर की सूरतहाल की नजाकत को देखते हुए दिल्ली से अपना हाई कमिश्नर वापस बुला ले। आपको याद होगा कि तुर्की ने बतौर एहतजाज बांग्लादेश से अपना सफीर वापस बुला लिया था, जब बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा को फांसी दी जा रही थी, इस एक्ट के खिलाफ उन्होंने एहतजाज के तौर पर अपने सफीर वापस बुला लिया था। क्या हमारे यहाँ इस तरह नहीं हो सकता कि हम दिल्ली से अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लें? जी क्यों नहीं हो सकता, बशर्ते कि हमारे यहाँ नीयत हो ऐसा काम करने की। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो हुक्मरान हैं, उन्होंने इतने संगीन मामले पर जिस तरह चुप साध रखी है, ये नहायत ख़तरनाक मामला है। और कश्मीरी जो हैं वो आपसे ये नहीं मांगते कि आप आएँ और हमारे शाना बशाना हमारी आज़ादी की तहरीक जो है उसमें शामिल हो जाएं। वो कल आसिया अंद्राबी जो उनकी एक जो बाकायदा एक कारकुन है, वो टीवी पे पिछले 3-4 दिन से उनके आप अगर बयानात सुने तो मैं समझता हूँ कि दिल दुखता है, नहायत तकलीफ होती है, नहायत अफसोस होता है कि किस तरह कश्मीरी जो हैं उनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़क रहे हैं, किस तरह वहाँ हमारे झंडे लहराए जाते हैं, किस तरह वहाँ पे पाकिस्तान का तराना गाया जाता है, और किस तरह वहाँ पे पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी मनाया जाता है, रोज़ा उन्होंने ईद कहा कि जी हम भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ रखेंगे, इससे बढ़ के कौन अपने जज्बात की अक्कासी कर सकता है। मगर हमारा ज़मीर इस हद तक मुर्दा हो गया कि हम उनके लिए खड़े होके वो आपसे सिर्फ इखलाकी इमदाद मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। वो ये कहते हैं कि उन पर तो पाबंदियाँ लगा दी गई, वहाँ उनके
रास्ते दुनिया से कतअ कर दिए गए और हिंदुस्तान जो है उसने अरसा दराज से ये रवैया अपना रखा है। आपको याद होगा कि अनमो गिब के यूएन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है जिसका मकसद ही यही था कि वो एक कम से कम एक अनबायस्ड किस्म की रिपोर्टिंग इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान करें और जो कश्मीर में हालात हैं जो एलओसी पर हमारे उनके आपस में मामले जो हैं बिगड़ जाते हैं, मगर उनका दफ्तर ही इंडिया ने बंद कर दिया, उनको वहां से निकाल दिया। इससे बढ़ के क्या जाहिर होगा कि वो किसी भी न्यूट्रल पार्टी को वहां रहते हुए असल हालात से वाकफी जो है वो नहीं दिलाना चाहते। तो इससे साफ साबित हुआ कि 8 लाख की फौज आपने एक छोटी सी वादी जो कश्मीर की है उस पर अरसा दराज से मुसल्लत कर रखती है, तो क्या दुनिया ये सब कुछ नहीं देखती? फ़र्क सिर्फ इतना है कि दुनिया देखते हुए भी आंखें बंद कर लेती है। बाहर की दुनिया का ज़मीर तो उस वक्त जागता है जब रेमंड डेविस जैसा वाक्या हो, क्योंकि वो एक बाशिंदा था, तो उसके लिए अमरीकी सदर टीवी पर आ गया और उसने झूठ बोला इतना बड़ा कि जी ये तो सफारतकार है, क्योंकि सफारतखार को एक तरह से इम्यूनिटी हासिल होती है। और उस बड़े झूठ के साथ उन्होंने रेमंड डेविस को बचाया। एक शख्स था जिसने हमारे दिन दहाड़े दो बंदे जो है उनको मार दिया और उसको वो बचाकर इस मुल्क से ले गए। तो उनका जमीर अपने एक आदमी के लिए भी जागता है, मगर 70 और 80 हज़ार के दरमियान, बल्कि शायद 1 लाख के दरमियान कश्मीर में जो कुर्बानियाँ दी जा चुकी हैं, जो जुल्म व सितम और जो बर्बरियत का शिकार बेचारे निहत्ते और जो हैं वो इनोसेंट कश्मीरी हैं, और उसकी वजह से तो किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। तो ये पाकिस्तान का फ़र्ज बनता है। आप इसराइल को देखिए कि जो बर्बरियत फलस्तीनियों के साथ उन्होंने कई दहाइयों से जारी रखी हुई है, उस पर भी अमेरिका बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा वन एजेंडा इस वक्त करारदाद मंजूर होनी चाहिए ज्वाइंट सेशन में, और उसका एजेंडा 1 पॉइंट होना चाहिए, और वो ये कि ये हमने करारदाद पास नहीं की थी, ये यूनाइटेड नेशंस ने की थी। अक्वामे मुतहदा आलमी तंजीम है, बैनुल अक्वामी सबसे बड़ी तंजीम है, उसमें सारे मुल्क शामिल हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनका ज़मीर कहाँ है ये हम उठकर बात करें। और यहाँ जो यूएनओ का ऑफिस है उसके बाहर जाके प्राइम मिनिस्टर साहब इस एहतजाज को लीड करें और वहाँ खड़े हो जाएं और वहाँ दरख्वास्त दें कि आप कहाँ हैं, आपका जमीर कहाँ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद तो बात करेंगे। कश्मीर कमेटी, पार्लियामानी कमेटी सबसे महंगी कमेटी है जिसके 3 सालों में सिर्फ 3 इजलास हुए, जिसको चेयर करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। पिछले 8 सालों से ये चेयर कर रहे हैं, लेकिन आलमी सतह पर इस मसले को कभी उस तरह से नहीं उठाया गया जो इसका हक बनता था कश्मीरियों के लिए बोलने का। ऐसी कश्मीर कमेटी का क्या फायदा, एक छोटे से वक्त के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शायद लतीफ़ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब गुज़श्ता 8 साल से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, पिछले 3 सालों में सिर्फ 3 इजलास हुए, आलमी सतह पर कभी इस मसले को नहीं उठाया गया, जो 3 इजलास हुए भी हर इजलास पर 6 करोड़ रुपया खर्चा आया लेकिन नतीजा सिफर रहा, फिर ऐसी कमेटी का क्या फ़ायदा, ऐसे चेयरमैन का क्या फ़ायदा, क्या मौलाना साहब को इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए? मुख्तलिफ हलकों से ये भी आवाज़ उठाई जा रही है। जी, उनका बयान नहायत ही अफसोसनाक है, जो आज उनको मालूम हुआ कि ये कमेटी बेख्तियार है। और इस दौरान बड़े मज़े लेने के लिए 8 साल से वो इसके चेयरमैन हैं, एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने बना रखा है। काश ये हमारा भी ज़मीर जागे इन मामलों में कि हम सिर्फ अपने ज़ाती मफाद और अपने फ़ायदे के लिए चेयरमैन भी बन जाएं, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं उनको एंजॉय करते रहें, काम जो है हम कुछ भी ना करें, और दूसरी तरफ लोग जो हैं कुर्बानियां देते हुए शहादतें जो है वहां पे हो रही हैं और वहां मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द, हम सब के सब जो हैं वो किस जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। और हमारा दिल जो है वो सिर्फ इस पे ही राजी है कि जी हमने कमेटी बना ली और उसके सो एंड सो जो हैं वो कहते हैं कि हम चेयरमैन बन गए और बड़ा नाम है, और उनके साथ इजहार यकजहती इस तरह होता है कि साल में एक दिन बाहर निकलो और 2-4 रैलीज कर लो और जलसे जुलूस में बता दो कि हमारे दिल जो है कश्मीरी भाइयों और या कश्मीर डे मना ले। हम समझते हैं कि कश्मीर डे मनाने से शायद वो कश्मीरियों का पूरा हो गया। जी, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं कि साल में बस एक कश्मीर डे मनाओ
और जैली किस्म के जलसे जलूस करो, दो चार तकरीरें करो धुआंदार किस्म की, और उन तक ये पैगाम पहुंचा दो, फोटो सेशंस करो कि जनाब हम आपकी खातर जो है हर चीज़ करने को तैयार हैं। और जैसे आप कह रही हैं कि 8 साल कमेटी का चेयरमैन हो और आपके पास कार्रवाई और कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए एक चीज़ भी ना हो, और जब आज आपसे सवाल किया जाए तो आप कहें बेख्तियार है, तो फिर आप चेयरमैन किस चीज़ के थे? बिल्कुल ठीक, आप देते, आप आज इस्तीफा देते या आप या इख्तियार लेते? आप इख्तियार हो सकता है या जो आपने मरात ली है, या जो मरात ली है जब इसी वो माजरत करते हैं वो उन मरात को वापस कर देते? जफर इलाली साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मरात तो कोई वापस नहीं करता, बल्कि ये ओहदे लिए ही मरात के लिए जाते हैं, ये काम करने के लिए नहीं लिए जाते। जफर इलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जिन्होंने काम किया नवाबजादा नसरुल्लाह साहब, मुझे याद है उन्होंने काम किया था। जी जी हिलाली साहब, हिलाली साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कमेटी सेटअप हुई थी बाय बेनजीर भुट्टो जी इन 1993 जी। इस कमेटी का मकसद यही था कि एक जो लोग उनके साथ जो कोएलिशन पार्टनर्स थे उनको, जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह, हालांकि वो बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े इज्जतमंद आदमी थे और बड़ी उन्होंने कोशिश भी की कश्मीर के लिए। एक्चुअली ये प्राइम मिनिस्टर उस वक्त की हमारी प्राइम मिनिस्टर का ख्याल ये था कि इनको दौरे करने दें तो बड़ी अच्छी बात होगी, ये दौरे पे जाएंगे, उधर जाके कहेंगे कि मुल्क और गवर्नमेंट कश्मीर कोज को प्रमोट करता है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये ज़्यादातर पैसे ये दौरों पे और अच्छे होटल्स पे खर्चते थे और पब्लिसिटी कम हुई। सर्टनली नवाबजादा नसरुल्लाह ने कोशिश किया, मगर वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे उस वक्त, और आपको पता है कि एक दफ़े प्लाजा होटल में 1994 में जब उन्होंने अपना हुक्का पीने लगे तो वो अलार्म सिस्टम चले ये हो गया और हम सबको भागना पड़ा होटल से कि इसलिए कि होटल में आग ना लग गई हो। तो ये ऐसे ऐसे बातें होते रहे। मेरे ख्याल में इस कमेटी का जो पर्पस था, मकसद था, इट वाज लेस टू डू विद प्रोजेक्टिंग कश्मीर एंड मोर टू डू विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब और उनके अफसर इधर क्यों बैठे हुए हैं? वो क्यों नहीं रियाद नहीं पहुँच गए फौरन और OIC में एक रेजोल्यूशन मूव करें कंडेमिंग इंडिया, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट में जाएं लंदन में और उनसे बात करें और कहें कि ये देखिए ये यंग लोग बच्चों को मार रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इधर भी एक रेजोल्यूशन मूव करें। और जैसे मैंने कहा एक इमरजेंसी काउंसिल मीटिंग हो यूनाइटेड नेशंस में और उनको पूछें कि ये एक रेजोल्यूशन है, इसके बारे में आप एक मीटिंग होल्ड करें और कंडेम करें ऐसे चीजों को। देखिए हम लोग इधर बैठ के अपने पार्लियामेंट को बुला के और एक जबरदस्त रेजोल्यूशन पास करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। और नो विल द कश्मीरीज बी फूल्ड, वो भी फूल्ड नहीं होंगे। अगर वाकई आप कुछ करना चाहिए, भेजिए आपका स्पेशल एनवॉय, ये दो फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं आपके पास, भेजिए उनको जाके मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को उनके दारू खिलाफा में मिलें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करें और सबूत ले जाएं किस किस्म की मार, जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है हिंदुस्तान। इधर बैठ बाल के एक रेजोल्यूशन पास करके एक एक हफ्ता बाद ये साहब एक कैबिनेट और वो भी बयान तब आया जब आर्मी चीफ की तरफ से इस सारे मामले को कंडेम किया गया। आर्मी चीफ के बयान के बाद हमारी सियासी जमातों की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं। हिलाली साहब जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए शर्म आती है, आखिर में मुझे शर्म आती है कहना कि ये फॉरेन ऑफिस, ये दो फॉरेन मिनिस्टर्स और ये कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर, जिधर देखो ये कश्मीरियों को अपॉइंट करता है अपने इर्द गिर्द अपने इम्पोर्टेंट ओहदों पे लाहौर में। इट्स अ क्वालिफिकेशन टू बी अ कश्मीर अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए। और यह जब वक्त आता है बताने के लिए कि वाकई मैं कश्मीरी हूँ, ये क्या करते हैं? ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत बुरा इंप्रेशन हो रहा है। ठीक है शाहिद लतीफ साहब, क्या ये तजवीज़ काबिल अमल है जो मकबूजा कश्मीर के लीडरान की जानिब से भी की जा रही है और हमारे अपने अंदर से भी ये तजावीज़ आ रही है, अपने लोग भी ये तजावीज़ दे रहे हैं कि मसले कश्मीर के हल होने तक हिंदुस्तान से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, मुनक़ते कर दिए जाएं जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता? क्या ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकती की बात नहीं है, ये होनी चाहिए। आपने अपनी इंट्रोडक्शन में जो बात की थी वो बिल्कुल बजा है, हमारे सुनने वाले जो हैं उनके इल्म में है, देखने वाले जो हैं और सुनने वाले जो हैं, कि अगर ये तुर्की ने फौरी तौर पर ये स्टेप लिया था तो उसने उसके कद में कितना इजाफा हुआ, कि ये तो पाकिस्तान का काम था।
जमात इस्लामी के लोग थे और बूढ़े, और उनको इतने अरसे बाद ख्याल आया, वो उनकी सियासत में रहे और बड़े ओहदों पर फायज रहे, और यकदम हसीना वाजिद जो हैं उनको ख्याल आया और उन्होंने इन पर स्पेशल मुकदमे चलाए, स्पेशल बेंच तश्कील दिया गया और इनको फांसी जो है वो देनी शुरू कर दी उन लोगों को, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया। मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का काम था, मगर हम तो दोस्तियाँ निभाने में लगे हुए हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, जब पठानकोट का वाक्या हुआ था तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन किया था पठानकोट के बारे में, इस मामले पर भी करना चाहिए था, अपनी सर और सर्विस अपनी हाजिर कर दी कि हम जनाब एफआईआर काट रहे हैं, जरा अंदाजा कीजिए। और इस मामले पे कोई एक फोन आप नहीं कर सकते उनको बताने के लिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है, तो हम कैसे मान लें कि जनाब आप कश्मीरियों की खातिर, पाकिस्तान के जो है उसकी इज्जत की खातिर, आप अपना दुनिया में और मुसलमान मुल्कों में खासकर अपना कोई कद बुलंद करने की खातिर, इज्जत कमाने की खातिर और उनका दुख दर्द बांटने की खातिर आप ये कदम क्यों नहीं उठाते, ये क्यों आप कॉल नहीं कर सकते? आप वो आपके यहाँ आके पार्टियां अटेंड करने के लिए तो आपकी दोस्ती है, तो जब मौका आता है आपको किस चीज का डर है? मैं ये समझता हूं कि तुर्की ने बहुत अच्छा कदम उठाया और उन्होंने ये जाहिर किया कि जनाब हमें इस चीज का दुख है और अफसोस है, ये सरासर धांधली हुई है। ये जो एहतजाज आप करते हैं इसका मकसद जंग में जाना नहीं होता, एहतजाज का मकसद होता है अपने अपने दिल की और दिमाग की कैफियत को जाहिर करना, और हम तभी जाहिर कर सकते हैं कि हाँ हमारा दिल जो है कश्मीरियों के साथ है, बशर्ते कि आप इस तरह का स्टेप लें, आप अपने सफीर को वहां से वापस बुलाएं ताकि पूरी दुनिया में एक पैगाम जाए कि पाकिस्तान वाकई कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आज कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहा है वहां पर जो हमारी सियासी जमातें कर रही हैं, जिस तरह की एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, ये हम मकबूजे कश्मीर में वहां कश्मीरियों को और आलमी बिरादरी को, दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जफर हिलाली साहब, एक अहम मसला ये भी है कि आज़ाद कश्मीर जहां 21 को इंतखाबात होने जा रहे हैं, सियासी जमातों की जानिब से जो रवैया अपनाया जा रहा है, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, जो लहजे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोग मारे जा चुके हैं, हम मकबूज़े कश्मीर में वहां पर कश्मीरियों को और पूरी दुनिया में अपने सेक से लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं? हाँ शाजिया, क्या मैसेज दे रहे हैं? पहले बात तो ये है कि मेरे ख्याल में सब पार्टीज मिल के कहते हैं कि भाई ये इलेक्शन को पोस्टपोन करो, इसलिए कि हम सोग में हैं, जो हुआ है ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनके लिए, उनके हमदर्दी में, उनके साथ, उनका हड़ताल हमारा हड़ताल है, हम सोग में हैं, हम इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। भाई क्या ज़बरदस्त मैसेज जाता उन लोगों को, नहीं इधर आते हैं और एक एक को तू तू मैं गालियाँ गलौज और एक एक को मारने लग गए, ये कमाल की बात है, ये एक एक पे फायरिंग करने लग गए, तो इसका क्या मतलब है? शाहिद लतीफ साहब, क्या वाकई 21 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए? मैं समझता हूँ जी ये बिल्कुल मौजू तजवीज़ है हिलाली साहब की तरफ से, और मैं खुद भी यही बात करता अगर आप मुझसे सवाल पहले करती। बात यह है कि पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, और ये फिर कश्मीरियों के लिए कितना गलत पैगाम है, जिस तरह हम एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं, ये सियासत है, ये दहशतगर्दी है, यानी सियासी पार्टियां इस लिमिट तक चले जाएं कि वो अपनी कैंपेन में एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, फायरिंग हो, लोग मारे जाएं, और जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है तो वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि वो तो पाकिस्तान का झंडा उठाए फिर रहे हैं, घरों पे झंडे लहरा रहे हैं, और उसकी खातिर वो कोई भी जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार हैं, यानी पाकिस्तान के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने को तैयार हैं, तो किस पाकिस्तान के नाम पर, जो आज़ाद कश्मीर में जिसकी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं और सिर्फ अपनी सियासत को बेहतर करने के लिए और वहाँ पे अपनी एक पोजीशन लेने के लिए वो एक दूसरे को मारने से गुरेज नहीं कर रहे? मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत
एक पैगाम है जो जा रहा है, और अगर हमने वाकई इजहार यकजहती करना है तो फिर वो मौलाना फजलुल्ला मौलाना फजलुर्रहमान की कैपेसिटी वाला इजहार यकजहती नहीं कि बस साल में एक मरतबा एक कश्मीर डे मना लो और कमेटी जो है उसका नाम ले दो। ये असल में इजहार यकजहती यही होता, हम कहते कि नहीं हे मना इन हालात में हम वाकई सोग मना रहे हैं और हम बिल्कुल इलेक्शन नहीं अभी करेंगे, हम इस बाद में जो हालात होंगे उसके मुताबिक इलेक्शन करेंगे। एक तो इस तरह की ये जो कत्लोखारत है ये इससे हम बच जाते, ये गलत पैगाम देने से, इस तरह अपना इंप्रेशन खराब करने से, और दूसरा वाकई एक पैगाम जाता कि जिसको हम कहते हैं कि हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, हम उसका वाज़े तौर पर जो है उसका उसका सबूत भी दे देते। बिल्कुल सही जफर इलाही साहब, आप जानते हैं कैसे मुकदमात जो हैं वो सिफारती मुहाजों पर भी लड़े जाते हैं, आपने भी सिफारतकारी की है, आप क्या समझते हैं कि सिफारतकारी की इस सतह पर हमारा जो कश्मीर कॉज है इसमें हमने कहां पर कमजोरी दिखाई सिफारती सतह पर जो भारत इसे अपना अंदरूनी मसला कहकर अपनी जान छुड़वा लेता है? देखिए शाजिया, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास कितना एम्यूनिशन था जिसको हम इस्तेमाल करते। देखिए हिंदुस्तानी फोर्सेस जो हैं वो एम्बुलेंसेस और हॉस्पिटल को अटैक कर रहे हैं हिंदुस्तानी फोर्स, और ये जो एक मैस रिवोल्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा इंस्टिगेटेड रिवोल्ट नहीं है, ये कोई बॉर्डर क्रॉसिंग आके नहीं कर रहे हैं, ये एक इतना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, मैं तो समझता हूँ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कश्मीर कॉज का हुआ ही नहीं है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये हम नहीं प्रोवोक कर रहे हैं, हम नहीं इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, हम उनको इंस्टिगेट नहीं कर रहे, कोई नहीं कह रहा है कि हम कर रहे हैं, ये एक नेशनल मैस यंग एजुकेटेड मूवमेंट है, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। अब भाई इसको लेके घूमो, इसको लेके इदारों पे जाओ, जैसे मैंने आपको कहा कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस पे, आपका ख्याल में कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट पे जाके आप डिमांड करते कि एक कॉन्फ्रेंस हो और आप उनको सबूत देते अटैक्स ऑन हॉस्पिटल्स, अंधा करने लोगों को और कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं, एम्बुलेंसेस को अटैक कर रहे हैं, तो क्या आपसे समझते हैं कुछ हमदर्दी नहीं होती क्या? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप इमरजेंसी सेशन करते ठीक है, वीटो हो जाता, करने दो अमेरिका को वीटो। और देखिए ये यूएन की एक बात है, अमेरिका तो कभी यूएन को समझता है कभी नहीं समझता है, रिकग्नाइज करता है नहीं करता है, इराक में तो नहीं किया बट अदर टाइम्स वो तो इस्तेमाल करता है यूएन को सैंक्शंस इंपोज करने के लिए, ये भी एक बड़ा अच्छा मौका था। देखिए हमारे पास इतने मौके हैं पूरी दुनिया में जाके ये कहना, और चलिए जैसे भी हैं ये जो फैंसी ये मौलाना साहब वैसे भी हैं, भाई इनको तो कम से कम एक इनिशिएटिव लेना था, इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट किधर है, किधर होंगे, जाएं इजिप्ट में जाएं, वो क्या है अल अजहर मस्जिद जो है, वो अल अजहर का वो जो एक सीट ऑफ इस्लामिक लर्निंग है, उनको जाके अपील करें और कहें कि कंडेम करो जो हिंदुस्तान कर रहा है, मुफ्ती जो जेरूसलम और लेकिन कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग सही। लेकिन इस सब के बावजूद शाहिद लतीफ साहब, पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो हैं ये कहां सो रही हैं? जी बिल्कुल, जितनी बड़ी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कश्मीर में हो रही हैं मैं समझता हूं उसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले ये फ़लस्तीन में होता रहा बल्कि आज भी जारी है, और फिर उसके साथ ही साथ कश्मीर वाला मामला, ये दोनों मुसलमानों के मामले हैं ना, हमारी इज्तमाई सोच जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर हम अंदरूने खाना चूके इतने कमज़ोर हो चुके हैं और हम में आपस में इतनी तफरीक और इतनी तकसीम हो चुकी है और दुनिया इसमें इतनी कामयाब रही है हमें तकसीम करने में, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से मुसलमान दुनिया को ही तबाह करना था ना, मुसलमान दुनिया को इतना कमज़ोर करना था कि कभी भी वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कोई एक फोर्स ना बन सकें। ये कम्युनिज्म के बाद असल में जो आप उनका टारगेट है वो तो इस्लाम है, क्या हमें ये गेम नज़र नहीं आ रही, हम देख नहीं रहे बतदरीज कैसे लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, शाम में वो क्या करने जा रहे थे, इजिप्ट में क्या हुआ, एक बाकायदा जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, ये जमहूरियत के बहुत बड़े दावेदार जो कि ये सुपर पावर बनती है, यानी फिर रिजीम चेंजेस अपनी मर्जी के मुताबिक, और फिर हमने अपने दो ब्लॉक बना लिए, एक ईरान का ब्लॉक बन चुका है एक सऊदी अरब का,
तो हमें तो लड़ाया गया है, हमें तकसीम कर दिया गया, हम अंदर से कमजोर हो रहे हैं, OIC का नाम कहीं पे नहीं लिया जाता, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, लिहाजा हम जब अंदरूने खाना कमजोर हैं तो बैरूनी तौर पर जारहियत तो होगी, हमारी आवाज कौन सुनेगा? फिर हमारी नीयत इस तरह की है कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा और न्यूक्लियर मुल्क होते हुए जिसके पास बकायदा अथॉरिटी है कि वो खड़ा हो जाए और बात करे, हम बात करने को तैयार नहीं, हमने अपनी जाति मफादात के लिए अपनी जुबान जो है उसको ताले लगा रखे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी हमारी कमजोरियों की वजह से हो रहा है। बहरहाल हम अपने कश्मीर बहन भाइयों को ये बताना चाहते हैं, साथ भारतीय फौज जो भी जुल्म और बर्बरियत वहां पर मचाई हुई है, भारतीय फौज ने पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदद जफर हिलाली साहब। सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात में तौसीक का मामला एक बार फिर से सामने आ रहा है, असल खलल का वाकया सबके सामने है। मुशीर कानून कहते हैं कि रेंजर्स को कराची से बाहर कार्रवाई करने का कोई इख्तियार नहीं, जबकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत सिक्योरिटी इदारे कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या ये ऐसी गिरफ्तारियाँ, ऐसे वाकयात रेंजर्स के इख्तियारात में जो तौसीक है उसमें रुकावट बनेंगे? मेरे ख्याल में कि ये जो झड़प, एक समझिए एक किस्म का झड़प जो हुआ है या होगा, या ये फैसला पता नहीं कोर्ट में होगा या उससे पहले ही हो जाएगा, मेरे ख्याल में शाजिया ये तो इट्स टेरिबल। ये तो ऐसा लगता है कि मॉरल अथॉरिटी जो है ये सिंध गवर्नमेंट पे इसे ख़त्म हो गया है। भाई जिधर जाके आप पकड़, इन्होंने देखिए मैं आपको बताऊँ, ये टप्पी मेमन और ये काका ये सब इसीलिए भागे हैं कि इन्होंने रेंजर्स को इनको पकड़ने नहीं दिया। ये एक कानून को इस्तेमाल कर रहे हैं, यू नो सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन लेके ये उन लोगों को, चोरों को पकड़ नहीं दे गए, सब चोर भाग जाते हैं। अभी भी सुना ये है कि ये खरल है या पता नहीं कौन सा चोर, अभी वो भी गायब हो गया है। आप समझ सकती हैं कि चीफ मिनिस्टर्स हाउस में लोग छुपे हुए होते हैं जिन्होंने रेंजर्स को कत्ल किया? My goodness, ये क्या हो रहा है भाई? इसलिए मैं कहता रहता हूं ये तो एक बाकायदा क्रिमिनल एंटरप्राइज हो गया है, ये एक स्टेट नहीं रहा। तो ये कैसा हो रहा है ये लड़ाई? Who is permitting this? अगर अच्छा, दूसरी बात, अगर ये नहीं समझते हैं, तो नहीं चाहते हैं, तो निकाल दें उनको, कह दें ना, इतनी जुर्रत तो पैदा करें कि कहें अच्छा रेंजर्स आप चले जाएं, यू आर कॉम्प्लिकेटिंग द इश्यू, आप अमन नहीं ला रहे हैं, आप तो गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए हद हो गई है, ये जो मैंने नाम लिया है ये तो लेजेंडरी करप्शन हो रहा है इस सूबे में, और ये लड़ रहे, जो आदमी उनको आके पकड़ना चाहता है उसको कहते हैं नहीं 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 तुम नहीं करना चाहते यार, दिस इज। लेकिन एक और बात है, और ना? एक और चीज, जी 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 जी, क्या कहना चाह रहे हैं? एक और चीज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इससे हम कंफ्यूज ना हो पर प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान का जो है शाजिया, देखिए बिल्कुल सही है, वो जरूरत है, फौज चाहती है, और फौज को जब वो होता है तो शायद दे कैन अरेस्ट और परफॉर्म बेटर, मगर ये जो लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है उनका भी थोड़ा क्रिटिसिज्म सुने। वो कहते हैं कि भाई बेशक अगर आप ये पावर्स चाहते हैं, और दीज आर ह्यूज पावर्स, माने कि आप किसी को पकड़ सकते हैं, 3 महीने तक अंदर रख सकते हैं, कोई आपको कुछ पूछ सकता है, माने मगर जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा रिव्यू करके पब्लिक को बताएं, आपका परफॉर्मेंस बताएं, किसको पकड़ा है, क्या किया है। आप GIT रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं बता सकते कि GIT रिपोर्ट जी। और नहीं देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें ये जो पावर्स दिया जा रहा है फौज को कि एज टेरर थ्रेट होता है, रिलीजियस सेक्टेरियन ये वो होता है, भाई ठीक ठीक है, आपके पास ये पावर्स होने चाहिए, मगर 2 साल से एक केस नहीं हुआ है बात बिल्कुल ठीक है, 2 साल से बिल्कुल बस सही कह रहे हैं, लेकिन एक और बात भी तो है ना शाहिद लतीफ साहब, जिस सूबे की पुलिस करप्शन में डूबी हुई हो, नैब अफसरान ने साबिक आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली समेत मुतादिद अफसरान की गिरफ्तारी की सिफारिश की है, उस सूबे की अमन अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है? रेंजर्स तो अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन पुलिस की भी तो हिमायत होनी चाहिए, अमन अमान की बेहतरी के लिए पुलिस की भी तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, अगर उन्हें करप्शन से फुर्सत मिले तो।
देखें यही बात है ना, जो हुकूमत ने गलत फहमी पैदा करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आपको याद होगा कि ज़रब अज़ब जो फ़ौज ने की नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, उसके बाद हुकूमती अहदेदारान जो हैं वो मैदान में आ गए। पहले तो ये कि उसका वो पूरा क्रेडिट लेने लग गए कि जनाब हम ही ने फ़ौज को कहा था, फ़ौज हमारी ही है। यानी यकदम उनको फिर ख्याल आ जाता है जब फ़ौज की परफॉर्मेंस अच्छी हो, क्रेडिट लेना हो, तो कहते हैं जी फ़ौज भी तो हमारा अदारा है। और वैसे सारा साल आप तनकीद सुनेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी होगी, सब कुछ होगा, मगर इसमें उन्होंने क्रेडिट लिया। और अगला क्रेडिट ये था कि जी अब ये फौज ही है जो पूरे मुल्क में ज़र्ब अज़ब करेगी। भाई फौज कैसे पूरे मुल्क में ज़र्ब अज़ब करेगी? फौज के पास वो रिसोर्सेज क्या हैं? क्या फौज मुल्क के कोने कोने में उस तरह तैनात की जाएगी जैसे पुलिस के स्टेशन हैं? ये तो पुलिस का काम है। कौन नहीं जानता कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनमें सर फहरिस्त आपकी पुलिस है। ये पुलिस का काम है कि मुल्क के कोने कोने में जिस तरह ज़र्ब अज़ब फौज ने किया, अब उनका ये काम है कि वहाँ से जो दहशतगर्द भागे, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके हाइड आउट्स बनाए, स्लीपर सेल्स बना लिए। और हमने ये कहा था कि इसका ब्लो बैक होगा, क्या उसकी कोई तैयारी की? वो जो नेशनल एक्शन प्लान नामी एक चीज़ थी, आज तक उस पर कोई किसी ने आके हमें प्रोग्रेस दी? क्या टीवी पे आके हुकूमती अहदेदार किसी ने बताया कि उसके जो 20 नुकात हैं वो तो एक एक नुक्ते के ऊपर एक एक कमेटी बनना चाहिए थी, एक एक नुक्ते को ट्रैक करना था। रिफॉर्म्स की बात थी, पुलिस को ठीक करने की बात थी, अदलिया को ठीक करने की बात थी, फाटा रिफॉर्म्स की बात थी, जो मदरसे हैं उनके बारे में बात थी कि उनको रिफॉर्म्स किया, उनकी रिफॉर्म्स की जाएं। वो कोई भी काम तो नहीं हुआ। हमें बस ये बता दिया जाता है जब भी नेशनल एक्शन प्लान के बारे में सवाल हो, हमने जी लाउडस्पीकर बंद करवा दिए, हमने जी जो इतने लोग जो हैं वो वहां से उठा लिए, हमने जी हजारों गिरफ्तारियां कर ली। भाई अगर गिरफ्तारियां की, हमें बताएं कि उन गिरफ्तारियों को के एंड पे क्या निकला। ये पुलिस जो है, ये जो गिरफ्तारियां भी अगर इनको आप खुद करके दें, जो नैब करके देती है, तो ये तो उनको छोड़ देते हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होती। सही। अदलिया कहती है जी प्रोसिक्यूशन नहीं है, हम उनको सजाएं कैसे दें? कैसे तो पूरा सिस्टम जो है, हम फैसले कैसे सुनाएं? तो पूरे सिस्टम में, खासकर ये जो पुलिस का काम था जो आपने सवाल किया, तो पुलिस तो सियासी बुनियादों पर भर्तियां इनकी हुई हैं, और करप्शन का आलम आपने वो आईजी और दूसरे आला अफसरान हैं उनके बारे में सबूत हैं, तभी तो नैब ने कहा कि उनकी गिरफ्तारियां की जाएं, उनको छुपाया गया है। तो यानी जहां पे चोरों, डाकुओं और दहशतगर्दों को हुकूमत छुपाना शुरू कर दे, वहां, और जो लोगों के साथ हुआ वो हम सब जानते हैं, जो कराची के हाल था वो भी हम जानते हैं, रेंजर्स ने जिस तरह वहां पे सारा ये जो जुराइम का सिलसिला है उसको बंद किया, और आज कराची किस तरह वापस अपने अमन सुकून की तरफ लौटा है, ये सारी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। अगर रेंजर्स कराची से चली जाती है, सिंध की पुलिस इस काबिल है कि सिंध के कराची के हालात को संभाल सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो इस काबिल होते तो ये रेंजर्स जो हैं अरसा दराज से इनको वापस भेज दिया जाता, मगर ऐसा हरगिज। और पुलिस में आपने कौन सा काम किया है जिसके तहत आप कहें कि ये पुलिस अब लोगों को बचा सकती है? बिल्कुल सही। ये तो फिर से वही दोबारा उसी दहशतगर्दी की तरफ लौट जाएगा मामला, और मैं नहीं समझता कि रेंजर्स को वापस जाना चाहिए। ठीक है जफर हिलाली साहब, वक्त कम रह गया, जल्दी से मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो आके कहते हैं कि इसलिए कि हम टीवी पे आते हैं तो सर आप जाके ये कहें और वो कहें, और इसलिए कि आप पुलिस पे हाथ नहीं डाल रहे हैं, इसलिए कि आप करप्ट पॉलिटिशियंस को पकड़ नहीं रहे हैं और दूसरे जो करप्ट हैं उनको जाने दे रहे हैं, बाहर भागने दे रहे हैं। पता है इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? लोग आके कह रहे हैं कि वो जो इदारा है, मिसाल के तौर पे रेंजर्स, जिससे हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सर वो भी मैं इस पे नहीं, वो भी नहीं आके उसमें मुब्तला हो गए? मेरे पास लोग आके कहते हैं कि पानी जो है, मिसाल के तौर पे साइट एरिया में एक आदमी पकड़ा गया और बड़े लोग खुश थे, बड़े लोगों ने मिठाई बांटे, इसलिए कि उसके 15 और 20 वैगन्स वाटर ट्रक्स आके इलीगली पानी ले जाके बेचते थे, और वो दूसरे वाटर टैंकर जो वाले थे उनके पास सिर्फ एक वाटर टैंकर था, वो पकड़ा गया, रेंजर्स उसको ले गए, 3 दिन के बाद वो वापस आ गया और काम में, बल्कि और भी क्या कहते हैं, विद ग्रेटर जोश काम में लग गया। लेकिन एक बात तो आप माने ना कि रेंजर्स के आने से ही कराची के हालात में बेहतरी आई है। आप कराची में रहते हैं, आप बताएं कि आप कौन लोग शिकायत आई एम
आई एम ताजिया द ग्रेटेस्ट फैन ऑफ रेंजर्स, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जब उनको देखता है आदमी को तसल्ली आती है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप दूसरों पे जो चोर है उन पे हाथ ना उठाए तो एक आदमी सोचेगा यार अगर वो भी चोरी कर सकता है तो वाई नॉट मी, आखिर इतने पैसे वो बना सकता है, वाई नॉट मी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया शायद लतीफ सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका जफरी लाली साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह हाफ़िज़।